मॉर्निंग हमारी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगली जर्नी की हम वीडियो शूट करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी टाइम हुए हैं 5 o'clock, आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी दिन नहीं निकला है, रात है, सर्दियों का टाइम है, विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं इंडिया में। और आज का टूर बहुत ख़ास है। अभी मैं साहिल भाई को पिकअप करने के लिए उनके घर जा रहा हूँ, उनकी सोसाइटी में जा रहा हूँ। सो साहिल भाई के साथ जल्दी ही आप सबको मिलते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, साहिल भाई की सोसाइटी आ चुकी है, जहाँ वो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं साहिल भाई के पास, ताकि हम जल्दी से उनसे उनको पिकअप कर सकें। और ये गाड़ी हमारे आगे वेट कर रही है। गुड मॉर्निंग हमारी YouTube फैमिली को। सचिन भाई मेरे पास पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और जैसा हमने बताया था कि इस बार जब हम मेरठ जाएंगे तो ये जर्नी को हम कवर करेंगे दोबारा से अपने भाइयों के लिए। और ये भी बताया था कि हम एक सरप्राइज जगह जा रहे हैं, और जब हम वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे, आप आनंद विभोर परमानंद, मतलब आपको एक ब्लिस की फीलिंग आएगी। और स्टार्ट करते हैं ये जर्नी, बड़ी एक्साइटिंग, क्यों सचिन भाई, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो जर्नी है इस बार डिफरेंट रूट से है। तो लास्ट टाइम जो रूट हमने फॉलो किया था, इस बार क्योंकि कहीं और जाना है पहले, फिर मेरठ जाना है, तो घुमा के आपको लेके चलेंगे, भ्रमण कराएंगे। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो हमारे दोस्त भाई मित्र इंडियंस जो बाहर बैठे हैं, या जो और दूसरे हमारे मुल्कों के भाई हैं, उनको अपने देश के की झलकियां दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं, अभी भी हम लाइट ऑन करके ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ टू अर्ली, ऑलमोस्ट 5:15 हुए हैं अभी, और विंटर्स अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं रास्ते में और क्या क्या मिलेगा, भाई आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये टूर शुरू हुआ है, और रास्ते में हमारे एक बहुत ही मान्यता प्राप्त 9 गजा पीर दरगाह आती है। तो आइए भाइयों, आपको इनके दर्शन कराते हैं आज, जो हमारे सारे भाई हैं देश और विदेश में, उनको इस दरगाह के दर्शन कराते हैं। साहिल भाई, बहुत बड़ी सुखना है भैया, बहुत बड़ी सुखना है दरगाह की, बहुत मान्यता है, बहुत। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो लोग यहाँ पे मत्था टेक के पक्का जाते हैं, और बहुत मान्यता है यहाँ पे दरगाह की। अभी भी दिन हुआ नहीं है, बहुत देखिए, आप दर्शन करो भगवान के। 9 गज लंबी ये पीरों की दरगाह है, 9 गजा पीर। मैं आपको दर्शन करा के फिर खुद दर्शन करूंगा बाद में। ये लो भाइयों, मत्था टेक लो सारे। आपकी सबकी भगवान मुरादें पूरी करे। तो भाइयों, अब साहिल भाई मत्था टेक रहे हैं, और मैं आप सब भाइयों को, ये 9 गजा पीर बहुत मान्यता है इस दरगाह की, पाक दरगाह की। सो जो भाई हमारे देश विदेश में, स्पेशली वो भाई जो दूसरे मुल्कों के हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, या और मुस्लिम रिलीजन के हमारे भाई हैं, उन सबके लिए ये बहुत ही, सबके लिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ सब एक हैं। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शांति
से भरी हुई ये दरगाह है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं यहाँ, और इसकी मान्यता है कि यहाँ पे आप कोई भी मुराद मांगो वो अवश्य पूरी होती है, ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक झलकी है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दिन में यहाँ पे बहुत रश होता है, क्यों तो अभी तो बहुत सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है, तो इसलिए यहाँ पे रश बहुत कम है। और थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन यहाँ पे बहुत 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 भीड़ उमड़ी होती है। भाइयों, सर्दी इतनी है कि साहिल भाई को उतर के विंटर के ड्रेस की ज़रूरत पड़ गई है। ये देखिए, अब वो चेंज करने चले हैं, और मुझे यहाँ कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ गई है, बरसता दिख गया है, तो मेरे को लगा कि मैं भी फटाफट से कॉफ़ी पिक कर लेता हूँ। ये 24 आवर ओपन वाला बरिस्ता है, ये देखिए आप। आइए हम आपको बरिस्ता में भी लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो बरिस्ता है, पहले मैं यहाँ के रूल्स पढ़ लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कहीं पे भी कि कोई वीडियो बनाना मना है, सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा दोस्तों। तो आइए, बहुत निग्गा है, बहुत अच्छा है, देखिए। सो ये देखो दोस्तों, ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो रही है ये भाई, और देखिए आप इन भाई को देखेंगे, इन्होंने कोई भी विंटर का स्वेटर जैकेट कुछ नहीं डाली, लेकिन बाहर बहुत ठंड है, और यहाँ अंदर बहुत कोजी हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एक कैफे है। देखिए, बहुत ही अच्छी सुंदर एम्बियंस है, ब्यूटीफुल एम्बियंस, बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हैं। और कॉफ़ी मेरा अब एनर्जी बूस्टर है, मेरे लिए रेडबुल की तरह काम करता है, तो इसलिए मैंने ये देखी, ये कॉफ़ी मेरी आ चुकी है बरिस्ता सी, और ये मैंने यहाँ रखी है। लेते हैं पॉज। और दोस्तों, इतने साहिल भाई आते हैं, फ्रेश होके वॉशरूम गए हैं वो, तो लेट्स हैव अ बरिस्ता कॉफ़ी टुगेदर, सिप लेंगे आप। वंडरफुल, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनी है भाई, थैंक यू। सो दोस्तों, इन द मीन टाइम साहिल भाई आते हैं, चलो हम छोटा मोटा कुछ गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, आजकल ना मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द मैजिक, राइटर हैं रोंडा बर्न। दिस बुक इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, हम एंड ब्लेसिंग्स, मैजिक इन योर लाइफ। दोस्तों, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा, चाहे वो प्लेयर है या कोई भी प्रोफेशन में है या गेम में है, बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग हैं, यंग हैं, कोई भी हैं, 28 डेज़ का ये कोर्स है एक द मैजिक का, और ये 28 डेज़ में ये बुक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, चेंज कर देगी। कुछ भी अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो वो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगी। तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग 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 रिकमेंडेशन है कि आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। डेली हार्डली 2 या 3 पेजेस पढ़ने हैं, हार्डली आपने अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालने हैं इस बुक को पढ़ने में, एंड बिलीव मी, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, फ्रेंड है, या कोई भी है, कोई भी अननोन पर्सन है, एनीवन। सो प्लीज़ मस्ट रीड दिस बुक बाय द नेम ऑफ द मैजिक बाय रोंडा बर्न, जिन्होंने द सीक्रेट भी लिखी है, द सीक्रेट की मूवी भी जिन्होंने बनाई है। सो मिलते हैं अगले नए क्लिप में। तो दोस्तों, बांके बिहारी लाल की जय, ये है आज का सरप्राइज, बांके बिहारी के दर्शनों के लिए। लो, मैं और साहिल भाई ने इकट्ठे
आवाज निकाली है, जयकारा लगाया है और आओ दोस्तों हम आपको बांके बिहारी के दर्शन कराते हैं। आज सारे भाइयों के लिए, देश और विदेश में जो सारे भाई बैठे हैं हमारे, उन सबके लिए यही बात कर रहे थे भाई। आनंद विभोर हो जोगे, आपकी हाजिरी लगा रहे हैं यहीं से। हाँ। जहाँ भी हो आप, ये माता वैष्णो माता के दर्शन कराओ। माता रानी, ये माता वैष्णो माता के दर्शन इधर अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए माता की विशाल मूर्ति बन रही है, बनी हुई है और रेनोवेट कर रहे हैं। पहले से बनी हुई है, सचिन भाई ने अभी बताया। और इस जगह की सैंक्टिटी और जो एक विशालता है वो इससे है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे खेला होगा, चला है, यहाँ पे लीलाएं रची हैं, राइट। और कितना लकी है हम लोग कि हम और आप सब मिलके आज भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम सीधा जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने, क्योंकि वो 12:30 या 1 बजे बंद हो जाएंगे, तो फिर शाम को खुलेंगे। तो ये देखते रहें आप, ये द्वार एक और आया है, ब्यूटीफुल। थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी बट आपको जो आनंद हम फील कर रहे हैं वो सब आनंद आपको फील करा रहे हैं हम। ये है मजा भारत का, देखो हॉर्न बज रहे हैं बट वो हट नहीं रहे। और हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो यहाँ वृंदावन में ही बन रहा है भाई। अच्छा। सबसे ऊंचा, और इसको सेम आर्किटेक्ट आई थिंक और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है 500 meters turn right onto Burja Road, वो सेम है जो जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है या बुर्ज खलीफा शायद डिजाइन किया है। ओके, वाओ।